नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सबके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृष्णा सोबती जी की सुप्रसिद्ध कहानी बादलों के घेरे लेकर उपस्थित हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सबको पसंद जरूर आएगी। तो आइए सुनते हैं। भवाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आँखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पछाड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती है। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कने हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ शाम हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ रात छुप जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भूरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी शैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अंधेरे और उजाले को नहीं लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ, अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया, सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ, मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ है वह सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग जाते थे? सब था, मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूम कर कहता, उठोगी नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो जाती। फूलों की महक में नाश्ता लगता, धुले ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा
जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है, या इसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। और एक रात भवाली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे, तन मन को सहलाते बहलाते उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर यह सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में भी जी जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था, बुआ के यहाँ पहली बार उन आंखों से आंखों को देखा था। धुपाती सुबह थी, नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते ना जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मन्नो से मिलो रवि, दो ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह दो दिन कहना किसी कड़ेपन को झेले लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जी जी, मन्नो जी जी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी, खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंधा और खिचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज तक नहीं भूला हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ, तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें ना उठी ना गिरी, बस एक टक बुआ की ओर देखती रह गई।
बुआ इस संकोच से उबरी तो मन्नू धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ क्या बात है। बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि, 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वही कॉटेज ले दी है। 7 घर का पुराना नौकर रहता है, कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली आती है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूं तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूं। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हो तुम यह सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा, कितनी घुटन होगी उन प्राणों में। पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छां थी, उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती थी। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार तल्लीताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊंग रहा है। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियां, फिर और 2-4 पाल वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूं, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ की घर वाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूं, मन्नो मन्नो मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूं और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खिंचे खुंगराले बाल, अनझपी पलके, पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूं। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है, और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े सोचता हूं कि सब कुछ रोज जैसा है। केवल मन से उभर उभर आती वे 2 आंखें नई हैं, और उन 2 आंखों के पीछे की बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लगती थी। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिससे बंधी बंधी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती है। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूं और अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर
खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नो भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहिब? बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई है। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूं। और जो मेहमान हैं? नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहिब, वह अलग से ऊपर खाएंगे। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ, शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ न खा सकने की विवशता पर। उस खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था आज तो याद नहीं। बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। सीधी मगर सधी आवाज। 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूं तो उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा हूं। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था, हौले से थाप दी। चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा, हाथ में कश्मीरी शॉल लिए मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठता बैठता सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी ना पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई है। सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी, बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर ना जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंस कर कहा, क्या करूंगी यहां रहकर? भवाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का व्यंग, आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द हैं, वही हंसी और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नो का कोट था। नौकर
और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया, हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नजर उन आंखों की बांह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल जाऊंगी, घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो, फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। टैक्सी खड़ी थी, सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांप कर कहा, कुछ और देर है साहेब। मनु ने इस बार कहीं देखा नहीं, कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहेब। घुंघराली छां ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच में से अंदर झांका, मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था यह मैं पढ़ नहीं पाया, वही पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई, मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे न अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा, नहीं नहीं कुछ और नहीं। वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटता हूं तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूं। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक रुक कर थक थक कर जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा, बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नो के कमरे की सजावट सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहां, जल्दी लौटोगे ना, चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुंच गया, सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूं। कपड़े बदल कर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ? बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ बुआ, पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूं। बुआ ने विवश हो आंखें ऊपर उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती है कुछ कहूं नहीं, पर मैं रुका नहीं। बुआ दो दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगी, कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी,
इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। गहरा लंबा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊं, पर संकोचवश पांव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। ना पर्दे, ना फर्नीचर, ना मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहां रहती तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती, और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहां आया हूं उसके पास आता। उसके यह सब मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं? किसी अनदेखे भय से घबरा कर नीचे उतर आया, खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भवाली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा, जहां अब तक मन्नो पहुंच गई होगी। रवि, मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रही। बुआ? बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुक कर मेरे माथे तक आ गया। रुंधे स्वर से कहा, रवि तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलराती हूं। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुंचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूं। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूं, बुआ मुझे ही कौन रहना है? आज वर्षों बाद भवाली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूं कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था, क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठी रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो, मैं वर्षों से उसे देखती आई हूं और आज पत्थर सी निष्ठुर हो गई हूं, उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूं। यह नहीं कहूंगी, अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ जितना भी था वह प्यार वह देखभाल सब व्यर्थ हो गए हैं। कभी छुट्टी के दिन उसका बोर्डिंग से आने की राह तक दी थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डरकर बच्चों को लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हो गए। रवि जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं कि कहूं डरती हूं। बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं
चेतावनी थी। रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात में समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़िया काटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भवाली जाना था। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भवाली है। बस में सोचता आया था कि वहां घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छां ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भवाली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगले से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भवाली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट यहाँ आया, पर उस आने जाने जैसा तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ, चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। ना यह सोचता हूँ कि मन्नू के पास जा रहा हूँ, ना यह सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पांव रखता हूँ कि कम आवाज हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थक कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब यह सोचूंगा वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का स्वर लगा। लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नू की ओर देखा। आंखों में ना आश्चर्य था, ना उत्कंठा थी, ना उदासीनता ही। बस मन्नू की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़के से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नू सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। सुख तो है बिटिया? चिंता का यह स्वर सुनकर बिटिया जरा सा हंसती, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली,
अच्छी भली हूं बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधों पर ओढ़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया ख्याली क्यों घबराने लगी, अभी सब ठीक हुआ जाता है, इनके लिए चाय भेजूं? मन्नू एकदम कुछ कह नहीं पाई, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा पूछ देखो, पियेंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं मुझे अभी कुछ भी पीना नहीं है। मन्नू ने जैसे ना सुना ना मुझे देखा ही, फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ, बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती। अम्मा अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिए आता। मन्नू कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसे बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है, ना यहाँ से कुछ ले ही जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नू अंदर चली तो मैं आप ही आप साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नू बोली नहीं, दुबली सी बांह तनिक सी आगे की ओर और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्योछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बांह को छू नहीं सका था, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था? उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा यही भय रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मोह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली, चाहता हूँ आज एक बार मन्नू देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भवाली में हूँ, भवाली में सोया हूँ। वही पाइंस का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है, मन्नू के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नू अपनी उन्हीं दो आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वह थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा? मन्नू कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है।
रात भर इन दो स्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भवाली में। बस अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भवाली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस, नहीं नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानीखेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं ना जाने किस उलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच मैं जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नो के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती है, पहुंचा सकोगे? जी सकूंगा। मैं, बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली भवाली की सफेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि, कुछ दिन यहीं ना रुको? नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे? नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि इस बार तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं, नहीं बुआ। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे, मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूं, पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पांव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती है, पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूं। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि तुमने पांव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी, बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं ना हंसा ना लजाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खाली पन्ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन ना भवाली पर अटका, ना पाइंस पर, ना मन्नो पर। पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहां का टिकट ले लिया था
वहां की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले जा नहीं सकी। गाड़ी आ रही है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने पे 10 मिनट हैं। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकल कर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहिब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही वही। आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो। साहिब जल्दी करो, जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है, टिकट वापस कर नया ले लिया, स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहां मुझे जाना है वहीं जाकर रहूंगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूं तो मुझे कौन रोकेगा, क्यों रोकेगा। घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूं। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा। माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे। हाँ माँ, लगा। माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूमकर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात में लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है, अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता है मेरे गले की तरफ, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन, अंधेरे में वह हाथ, वह हाथ। मन से जिसे भूल चुका हूं उसे आज ही याद क्यों आना था, क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था नहीं कहूंगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए बाह आगे करना छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भवाली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नो के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को ना लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था
और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नू शॉल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नू ने नीचे फैले शॉल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नू, चाहता हूं मन्नू से कुछ तो कहूं, पर क्या कहूं, यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूं, आऊंगा, फिर आऊंगा। पर जिस निगाह से मन्नू मुझे देखती है, वह जैसे बिना बोल के या कहे जा रही कि अब तुम यहां नहीं आओगे। मन्नू, रवि और बस। कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा, जरा सा आगे बढ़ा कि विदा लूं, विदा दूं, पर ना जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नू बोली, देर होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर। पर क्या सदा के लिए जा रहा हूं? मुड़कर पीछे देखा और खिंचकर ठिठक गया। मन्नू वही उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूं, मन्नू मन नहीं होता जाने को। मन्नू कुछ देर तक देखती रहती, मैं चाहता हूं मन्नू कुछ भी कहे, कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी सी छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी, फिर घने स्वर में कहा, एक ना एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूं, चूम लेना चाहता हूं। मन्नू, आगे बढ़ता हूं। कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नू दोनों हाथ आगे डाल देती है, बस। मन्नू, अपना अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं है कुछ और, नहीं। मन्नू दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा, व्यर्थ सा नीचे उतरता हूं। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूं और एक बार फिर पीछे देखता हूं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूं और किश्ती में बैठी मन्नू बही चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती, नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नू का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद है, शायद गीली है। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूं। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नू मन्नू। इसी पुकार को पलटकर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच ही में मैं ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया उस कॉटेज से,
कॉटेज में रहने वाली मन्नू से, मन्नू की उन दो आंखों से, पर मन्नू की स्मृति से नहीं। मन्नू की याद मुझे आज भी आती है, आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब मन्नू और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था, पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख मैं पानी सा बह गया था। एक टक उन घुघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थक कर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के दो छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक ना सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नू को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शॉल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नू उठी तो मानो मन्नू सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा कि यह झुकी छाया मन्नू नहीं, मन्नू की व्यर्थ हो गई विवशता थी जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नू तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं। मन्नू ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कौन वरदान मांगने हैं, अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं। बस इतना ही चाहती हूँ कि यह कपाट उनके लिए खुले रहे जिनसे बिछड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नू को छूने का भय, उसके रोग का भय, जो अब तक मुझे रोकता था बीनता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बाह से घेरते हुए कहा, मन्नू। मन्नू चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ ना बढ़ाओ। आवाज में ना उलाहना था, ना व्यंग्य, ना कटुता, बस जो कहने को था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नू के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नू को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पाइंस की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नू के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी। माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों, अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी, एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है, जो संपन्न होकर एक टेक पर
एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा, महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता हूं। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते, यह हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष, संग संग लगे बिछों से दूर मग्न दिन रात, मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा। आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूँ, किसी को छूकर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मोह छोटा कर लिया। गए महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्ना रानी प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे, देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही, कुछ कहने को कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया, केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है, कहाँ है वह जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दो, एक बार प्यार लो, कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पूछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी न बच्चे। तकियों के सहारे से रूचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, ना मीरा ने ना मेरे बेटे ने। कंवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं,
इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूं। ऐसे ही एक दिन मन्नो के जाने को भाप कर मैं गहराई से उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में मन्नो रोई थी। अब जान पाया हूं कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने मन्नो की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदर बोली, रवि मन्नो तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गांभीर्य को संभालते कहता हूँ। नहीं बुआ, नहीं बुआ, जैसे मुझे कहीं वर्षों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जगी नहीं, अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक चुकी थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आँख पूछती, कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सूखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में, खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पांव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वही कल वाली आवाज थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा, नहीं बुआ, नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूं, पर जैसे मन ही मन मन्नो के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूं कि जिसके प्यार को भी कोई ना छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नो को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भवाली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही भवाली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नो, मन्नो। आज वह होती तो मुझे झेल लेती। हर रोज सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नो, मन्नो। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह अब पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती है। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं मन्नो की आंखें ही सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबरा कर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरों में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है, वही। आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा, इन्हीं में समा जाऊंगा। दोस्तों, रवि और मन्नो की अधूरी दास्तान, जिसका आगाज ही अपने अधूरेपन को साथ लेकर आया था,
इस जहां में तो पूरा ना हुआ, फिर दूसरे जहां में तो मोहब्बत सारे बंधनों से मुक्त ही है। जो अफसाना यहां पूरा ना हो सका, शायद कहीं किसी दूसरे जहां में अपने मुकम्मल वजूद की खुशबू जरूर बिखेर रहा होगा। इसी बेहद खूबसूरत कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और बहुत खूबसूरत किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।